साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं श्रद्धा पंचोली। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में शुरुआत करते हैं, एक का तोड़े मकान दूजे को करे दुलार, पुलिस और प्रशासन का ये कैसा है प्यार। कोरोना वैक्सीन के चक्कर में नर्सों को चढ़ा बुखार, थाने में चले लट किसी ने नहीं सुनी पुकार। जानिए और क्या है न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में, बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। सत्रह अक्टूबर की शाम जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कालूहेड़ा गांव में एसडीएम गोविंद दुबे ने एक अवैध शराब दुकान को बंद कराकर उसे सील करवा दिया। तब माहौल उज्जैन में जहरीली शराब से 14 निर्दोष लोगों की मौत का था। अब जब मध्य प्रदेश में ही मुरैना में एक बार फिर से जहरीली शराब से 21 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को फिर से अवैध शराब के ठिकाने याद आ गए हैं। कालूखेड़ा में एक बार फिर से एसडीएम गोविंद दुबे पहुंचे तो पता चला कि जिस अवैध शराब दुकान को उन्होंने सील किया था उसकी सील भी तोड़ दी गई है और यहां शराब का कारोबार भी दोबारा से शुरू करवा दिया गया है। एसडीएम ने एक बार फिर से यह अवैध दुकान बंद करवा दी और 3 लोगों के खिलाफ घटिया थाने में अपराध भी दर्ज करवा दिया। कालूहेड़ा गाँव में शराब दुकान का संचालन करने वाले 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, कमल जायसवाल, राहुल वाजपेयी और धनंजय। कमल जायसवाल और राहुल वाजपेयी को मौके से ही गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसे आप शायद शराब माफिया के खिलाफ ठोस कार्रवाई मानेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और है। दरअसल कमल जायसवाल और राहुल वाजपेयी तो मोहरे हैं। उज्जैन शहर में शायद ही ऐसा कोई पुलिसकर्मी होगा जो ये नहीं जानता कि इस कांड में जिस धनंजय का नाम सामने आया है वह कौन है। ये सारे ही आरोपी वैध शराब की आड़ लेकर अवैध दुकान खोलकर अवैध शराब बेचने वाले उज्जैन शहर के ही छोटू के लोग हैं। मौके से 170 देसी क्वार्टर जब्त हुए हैं। इन पर लगे होलोग्राम से और गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद अवैध शराब के कारोबार में लिप्त बड़े एक नंबर वाले माफिया के सारे राज बाहर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। छुटपुट कर्मचारी इसी तरह पकड़े जाते रहेंगे और इनके आकामोला रोटी बोटी का संबंध निभाते हुए बचे रहेंगे। अवैध काम धंधों में लिप्त लोगों पर अपराध दर्ज करने के अलावा भी की जा रही कार्रवाई लगातार जारी भी है। इस बार का संडे शराब तस्कर महेश उर्फ मल्लाह के नाम रहा। महेश के खिलाफ नीलगंगा थाने में अवैध शराब विक्रय के अलावा मारपीट सहित अन्य करीब 18 अपराध दर्ज हैं। रविवार दोपहर राजस्व पुलिस नगर निगम की संयुक्त गैंग ने शांति नगर स्थित महेश उर्फ मल्लाह का मकान जमींदोज कर दिया। सवाल अपनी जगह कायम है, अवैध शराब बेचने वाले महेश मल्लाह का मकान जमींदोज कर दिया तो क्या उस शख्स पर भी कार्रवाई होगी जो कालूखेड़ा में पूरी की पूरी दुकान ही अवैध चलवा रहा था। आज थाना नीलगंगा के अंतर्गत एक आरोपी जिसका काफी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और शांति नगर में रहता है, वहाँ अवैध शराब के विक्रय की सूचना थी। इस सूचना के आधार पर नगर निगम के माध्यम से मिलकर के एक नगर निगम रेवेन्यू और पुलिस की टीम के द्वारा ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए उसके जो अवैध अतिक्रमण को भी आज ध्वस्त किया गया है। और ये जो अवैध शराब बेचने वाले हैं और जो तस्करी करने वाले हैं उनके विरुद्ध में ये मुहिम नई और जन पुलिस के द्वारा प्रारंभ की गई है। सर, लगने के दो ढाई घंटे बाद में मतलब बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह सीविंग आने लगी थी और चक्कर भी लगे थे साथ में। कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाने के बाद जिला अस्पताल में पदस्थ 3 नर्सों की तबीयत बिगड़ गई है। शनिवार दोपहर में नर्सिंग कॉलेज में इन नर्सों को टीका लगाया गया। रात होते होते इन्हें हल्का बुखार, चक्कर आना और घबराहट जैसी शिकायत होने लगी। रात करीब 9 बजे 2 नर्स जिला अस्पताल के ओपीडी में पहुंची। यहाँ डॉक्टर ने इनका चेकअप कर इन्हें मेडिसिन वार्ड में भर्ती कर लिया। नर्स महिमा पिता बेनीराम चरक भवन के PICU में और नर्स रानी पिता रामकिशन लेबर रूम में पदस्थ है। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच इन्हें टीका लगाया गया था। दोनों ही नर्सें कुछ देर नर्सिंग कॉलेज में बने रेस्ट रूम में रुकी और उसके बाद चंपाकुंडी स्थित अपने रूम पर चली गईं। शाम को दोनों को ड्यूटी पर जाना था। शाम होते होते नर्स रानी और महिमा दोनों की ही तबीयत खराब होने लगी थी। रात में जब इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया उसके बाद सुबह 9 बजे तक यानी पूरे 12 घंटे स्वास्थ्य विभाग के ही जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हीं के स्टाफ की 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है।
एक अन्य नर्स चेतना साहू की भी तबीयत वैक्सीन लगाए जाने के बाद बिगड़ने की जानकारी सामने आई है। हालांकि उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। सर मुझे तो वैक्सीन लगी थी 12 बजे, तो उसके 2 घंटे बाद 3 बजे समथिंग मुझे फीवर आया था, बहुत तेज फीवर आया था। उसके बाद तो मुझे बहुत वीकनेस फील हो, चक्कर आ रहे थे बहुत। फिर उसके बाद मुझे लूज़मोशन स्टार्ट हो गए और बहुत ज़्यादा पेट दर्द होने लगा, अनकंट्रोल्ड पेट दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं यहाँ एडमिट हुई 9 बजे, 9 बजे मतलब एडमिट होने के बाद मुझे इंजेक्शन से होने लगे। उसके बाद फिर मुझे फिर चक्कर आ रहे थे, फीवर भी स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद रात में फिर ठीक रही, फिर मॉर्निंग में सुबह फिर से मेरा वो एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। और अभी भी मुझे थोड़ा फीवर जैसा मुझे नहीं लग रहा है। एंट्री करने के बाद मुझे 12:30 बजे समझिए बहुत तेज फीवर और मतलब ठंड वगैरह लग के हेडेक वगैरह हो रहा था। फिर मेडिसिन ली, मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो गया था सर। फिर वापस से 6:30 बजे समझिए फिर से सर राइगर जैसे मतलब ठंड जैसे और बुखार और सर फिर ऐसे करके फिर घर का सर नाइट ड्यूटी किए थे। तो उसके बाद हम लोग मतलब जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा सिर में भारीपन, हेडेक, सर आंखों में जलन और चल रहे थे सर अब तक गिर नहीं जाए ऐसे करके सर वीकनेस लग रही हो जाए। CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल की माने तो किसी भी तरह की वैक्सीन लगने के बाद हल्का बुखार आना सामान्य लक्षण है। डॉक्टर खंडेलवाल ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि कोरोना वैक्सीन लगने के कारण ही दोनों नर्सों की तबीयत बिगड़ी हो। उन्होंने आश्वस्त किया कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। खुद डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने भी शनिवार को ये वैक्सीन लगवाई थी। वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सामान्य कामकाज कर रहे हैं। इन दोनों ही फ्रंटलाइन वॉरियर को भले ही हल्के साइड इफेक्ट हुए लेकिन इनका हौसला कम नहीं हुआ है। आप खुद ही सुनिए इन्हीं में से एक नर्स आम लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहती है। हम बिल्कुल लगवा सकते हैं क्योंकि जो भी वैक्सीन लगवा रहे हैं वो सबके लिए बेनिफिट ही रहेगा। क्योंकि जो पहले जो सिम्टम्स थे कोरोना वायरस के, फीवर आना जो भी अदरवाइज जो भी था, और जो अभी वैक्सीन लग रही है उसके बावजूद उसके बाद भी जो सिम्टम्स हैं वो मतलब पॉजिटिविटी सिम्टम्स है, ये आना ही चाहिए वैक्सीन के बाद। तो जो भी आम जनता है वो लगवा सकता है वैक्सीन। जीवाजीगंज थाने में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक द्वारा नयापुरा में अभद्रता किए जाने के बाद जब इलाके के कुछ लोग उसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो थाने पर उल्टे उन्हें ही डंडे पड़ गए। जीवाजीगंज थाने पर खासा हंगामा हुआ और नयापुरा में रहने वाले 2 युवक मोहित शर्मा और जितेंद्र को हाथ में चोट भी आई। थाना प्रभारी मनीष मिश्रा इस पूरे घटनाक्रम को सिरे से ही नकार रहे हैं। उनका कहना है कि थाने पर किसी तरह का हंगामा हुआ ही नहीं था। थाना प्रभारी सच बोल रहे हैं या नहीं ये आपको वीडियो फुटेज और इसमें रिकॉर्ड हुई आवाज से पता चल जाएगा। आपसे बात नहीं करना, आप इनको बुलाओ। नयापुरा के रहवासी रात करीब 9 बजे जीवाजीगंज थाने में पदस्थ आरक्षक जितेंद्र शर्मा की शिकायत लेकर पहुंचे थे। इनका आरोप है कि जितेंद्र ने शराब पी रखी थी और वह कारण ही समय से पूर्व लोगों की दुकानें बंद करा रहा था। इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो विधिवत जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। जीवाजीगंज थाना प्रभारी मनीष मिश्रा के मुताबिक कुछ लोग थाने पर आरक्षक की शिकायत लेकर पहुंचे जरूर थे लेकिन इनमें से किसी ने लिखित शिकायत नहीं की है। मतलब मैं थाने से बाहर निकला और मेरे को एकदम मतलब लाठी चार्ज करी उन्होंने। एकदम से पूरा एकदम से मतलब थाने के गेट के वहीं निकला और लाठी चार्ज करी। और किसी को भी मारा क्या उन्होंने? 2-4 जनों को पाइप पड़े हैं। हाँ हाँ उतर तो से कुछ पूछा उनसे? सवाल पूछा उन्होंने? कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्ट आते ही लाठी चार्ज कर दी उन्होंने, आते से लाठी चार्ज करा। हाँ बहुत अच्छी चीज है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सम्मान अभियान के अंतर्गत रविवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। IG राकेश गुप्ता ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। SP सत्येंद्र कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी रैली में साइकिल चलाई। यह रैली फ्रीगंज के विभिन्न मार्गों से होती हुई शहीद पार्क पर विसर्जित हुई। शासन की मंशा के अनुरूप उज्जैन पुलिस के द्वारा अभी कई प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज भी पुलिस कंट्रोल रूम उज्जैन में एक साइकिल रैली निकाली गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो आम आदमी है उनको महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करना, उन महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना करना, साथ में जो कानूनी पहलू हैं और भी इस प्रकार के जो पहलू हैं उनके प्रति जागरूक करना। श्री
श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े के थानापति संत सुदामानंद जी लाल बाबा के देवलोक गमन पर रविवार को उज्जैन के साधु समाज ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। देवास गेट स्थित अग्नि अखाड़े के आश्रम पर संत समाज के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर दिवंगत संत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पंडित शैलेंद्र व्यास, जिन्हें पूरा शहर स्वामी मुस्कुराके के नाम से जानता है, कुछ न कुछ अनूठा करते रहने की खूबी है इनमें। कोरोना काल में जब सारा शहर लॉकडाउन के टेंशन में फंसा था, तब महाराज कोरोना भागवत रच रहे थे। हाल ही में पंडित शैलेंद्र व्यास द्वारा रचित कोरोना भागवत कथा का लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने विमोचन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना संदेशों पर आधारित कोरोना भागवत कथा के 45 एपिसोड सोशल मीडिया पर 12 अप्रैल से 27 मई के बीच रिलीज हुए थे। राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त उज्जैन की अनूठी पगड़ी वाला यह बिरला शख्स जब बिरला से मिला तो वे भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। आज परम सौभाग्य हुआ कि कोरोना के महान योद्धा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संदेशों को लेकर यह कोरोना भगवत कथा का निर्माण किया गया और यह विश्व की पहली ऐसी कथा है जो कोरोना भगवत कथा के नाम से जानी जाएगी। और माननीय ओम बिरला जी ने काफी पसंद किया और साथ ही उन्होंने इस स्मारिका की और प्रतियां ली और उन्होंने बताया कि वे लोकसभा जब प्रारंभ होगी तब मोदी जी को भी ये भेंट करेंगे। मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद स्वामी मुस्कुरा के। यूट्यूब पे देखिएगा कोरोना की जंग, स्वामी मुस्कुरा के संग कोरोना बगावत कथा। उज्जैन शहर में मुस्लिम समाज में अब दो काजी होंगे। सुन्नी जमात ने रविवार को अपनी जमात के लिए अलग काजी और दो नायब काजी के नामों की घोषणा की है। कालियादेह गेट स्थित कुरैशी जमात खाने में हुए कार्यक्रम में सुन्नी जमात से संबंधित शहर की 22 मस्जिदों के इमामों की मौजूदगी में सुन्नी जमात के काजी के रूप में मुफ्ती मौलाना महबूब आलम के नाम की घोषणा की गई है। मौलाना महबूब आलम गरीब नवाज मदरसा जानसापुरा के इंचार्ज हैं। नायब काजी के रूप में केडी गेट मदीना मस्जिद के इमाम मौलाना अली नक्शबंदी और आगर नाका स्थित फैलाने आला हजरत मस्जिद के इमाम मौलाना इफ्तिकार नूरी का नाम तय किया गया है। शहर में लगभग 25,000 सुन्नी मुसलमान धर्मावलंबी रहते हैं। पिछले लगभग 5 साल से पृथक काजी नियुक्त करने की इनकी प्रक्रिया निरंतर जारी थी। सुन्नी जमात के लिए अलग से काजी नियुक्त करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप खुद जमात के ही वरिष्ठ सदस्य से सुनिए। सुन्नी मुसलमानों के कई मसाइल ऐसे हैं कि जिसके अंदर उनको सिर्फ गाइड और रहनुमाई जो है वो सुन्नी उलमाओं से और सुन्नी काजी से ही मिल सकती है। आपको मैं सिर्फ इतनी मिसाल दे दूं कि इंदौर शहर के अंदर कई काजी हैं। एक ख़ानदानी काजी 150-200 साल से हैं, बावजूद उसके भी दूसरे काजी बन गए। तो ये निजी अहले सुन्नत वल जमात के कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको हल करने के लिए और उनको न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए जो है काजी की ज़रूरत पड़ी है। बल्कि हमें अपने मसलक के जो लोग हैं उनके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सिर्फ हम ही उनके कामों की देखभाल कर सकते हैं, जैसे फातिहा पानी है, उर्स है, चांद का मसला है, छठी शरीफ है, ग्यारहवीं शरीफ है, और इसके अलावा शरीयत के तौर पे कोई मसला आ गया तो उसको हल करने के लिए हमने ये कदम उठाया है। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी न्यूज मालवा के साथ, और देखते रहिए न्यूज मालवा और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नए अपडेट और खबरें लाते रहेंगे। जय श्री महाकाल। ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।